हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रजापति मिश्रा। आज पावर शेयरिंग के लास्ट टॉपिक के वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें टॉपिक है एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी के स्वरूप क्या क्या हैं? तो पहला स्वरूप है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या है? किसमें सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें सरकार में की शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका स्तर पर, विधायिका स्तर पर, न्यायपालिका स्तर पर होता है। मीन्स एजुकेटिव लेवल, लेजिस्लेटिव लेवल और जुडिशरी लेवल। इसमें होता क्या है? इसमें सरकार के अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मीन्स इसमें गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है एक ही स्तर पर रह के अपने अपने शक्तियों का, अपने अपने पावर का यूज करते हैं। और इसमें प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखता है। मीन्स कि अगर कोई भी अंग ज़्यादा निरंकुश हो जाए तो दूसरे अंग उस पर कंट्रोल रखता है। ये अब हो गया, इसको ना हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण, जो भारत में देखा जाता है। सेकंड फॉर्म है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग मीन्स क्या हो गया? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मीन्स क्या हो गया कि भारत के अगर फॉर्म्स को देखें तो इंडिया गवर्नमेंट को तीन फॉर्म्स में बांटा जाता है, एक यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लोकल गवर्नमेंट। मीन्स केंद्र सरकार, सेकंड राज्य सरकार, तीसरी हो गई स्थानीय सरकार। इसमें सत्ता का वितरण केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तरों पर किया जाता है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार के अधीन ही राज्य और स्थानीय सरकारें काम करती हैं। इसमें सत्ता का बंटवारा अपर टू लोअर होता है। मैंने मीन्स कि यहाँ सत्ता जो है केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार। इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल के अंगों के अनुरूप ही काम करती है। मीन्स जैसे गाइडलाइन केंद्र सरकार देती है वैसे ही स्थानीय सरकार कार्य करती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता का वितरण दो तरह से देखा जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एजुकेटरी, केटिव एंड जुडिशरी। इन वर्टिकल मेथड इंडिया गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर एंड वर्टिकल पावर। हॉरिजॉन्टल पावर और वर्टिकल पावर में क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल पावर में गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के सत्ता का बंटवारा होता है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है। इसका दूसरा बात पर देखें, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही लेवल पर रह के, एक ही स्तर पर रह के काम करते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तीसरा इसी में कि इसमें प्रत्येक अंग, एवरी ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स पर, दूसरे के ऑर्गन्स पर नियंत्रण रखता है कि अगर कोई भी ऑर्गन ज़्यादा निरंकुश हो जाए तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब आता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में सत्ता
तीन अंगों में बटी होती है। सबसे पावरफुल ऑर्गन केंद्र सरकार होती है, इसके बाद राज्य सरकार होती है, इसके बाद स्थानीय सरकार होती है। इसमें सत्ता हाई लेवल से लोअर लेवल में होती है, मीन्स इसमें सत्ता केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, मतलब केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, इसके बाद राज्य सरकार, इसके बाद स्थानीय सरकार होती है। इसमें निम्नतर स्तर के अंग उच्चतर स्तर के अंगों के अधीन होते हैं, मीन्स इसमें लोकल जो गवर्नमेंट है वो हायर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन ही काम करती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग के, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, मीन्स कि वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड को हम लोगों ने देखा। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछेंगे और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।